एसआई नेरोलैक के बारे में। एक पेंट कंपनी है जिसने बहुत अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए। कंपनी के मुनाफे, रेवेन्यू और मार्जिन में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बातचीत करने के लिए, फ्यूचर प्लान जानने के लिए कंपनी के एमडी अनुज जैन जी हमारे साथ हैं। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच टू यू नीरज जी। सर, नंबर्स तो काफी इनकरेजिंग है, काफी बढ़िया, हालांकि हाई बेस के कंपैरिजन में, लो बेस के कंपैरिजन में है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि ये जो जिस सेगमेंट में आप काम करते हैं, इंडस्ट्रियल और जो ऑटोमोबाइल वाला, इसमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है, क्या कंटिन्यू रहेगा आगे भी? देखिए, हमारे तीन बिजनेस के पार्ट हैं, एक डेकोरेटिव है और इंडस्ट्रियल में भी दो पार्ट आते हैं, एक ऑटोमोटिव आता है और दूसरा जिसको हम नॉन ऑटो बोलते हैं, परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड होता है। सो क्वार्टर फोर में देखो तो तीनों बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट फुल ईयर के अंदर ऑटोमोटिव का मोमेंटम अच्छा रहा है, बट उसमें जैसे कोविड के टाइम से काफी एक लैग आ चुका था, तो पार्टली यू कैन से कि वो रिकवरी थी। तो इट्स नॉट कि आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव के नंबर सिमिलर रहेंगे, बट आई थिंक एक ग्रोथ मोमेंटम, एक स्टेबल ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। बट गुड पार्ट इज कि जो बाकी बिजनेस लाइंस भी हैं, जैसे डेकोरेटिव है या जो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स हैं, वो सारे के सारे बिजनेस अच्छे कर रहे हैं और क्वार्टर फोर में सबने डबल डिजिट में ग्रोथ किया। ओके, तो ये कंटिन्यू, लेकिन सीक्वेंसली सर अगर आप देखें तो मतलब थोड़ा सा ऑटो वाला सेगमेंट जो है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्लेटो हो रहा है वहां पे, आप लोग भी फील कर रहे हैं? हाँ, तो क्वार्टर बाई क्वार्टर सो क्या होता है कि एक हाई ग्रोथ, नो बिकॉज लास्ट ईयर के बेस में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर एक मई मंथ में कोविड का इफेक्ट है, तो उस क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ग्रोथ काफी अच्छी रही थी, जो कि यू कैन से थोड़ा सा आउटलायर है, बट अदरवाइज देयर इज अ स्टेबल डिमांड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड वो स्टेबल डिमांड के हिसाब से वो चलता रहेगा। अच्छा सर, रॉ मटेरियल की कीमतें भी सॉफ्ट हुई हैं और अभी भी लग रहा है कि सॉफ्ट बनी रहेंगी, आपको ये होप है कि ये जो हेल्प हो रही है इसके थ्रू, जिससे मार्जिन काफी इंप्रूव हो रहे हैं, ये भी आगे जारी रहेगा या आगे कोई रिस्क फैक्टर लगता है इसमें आपको? नहीं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस डेफिनेटली थोड़े करेक्ट हुए हैं, एंड उसके साथ जो कंपनी के इंटरनल इनिशिएटिव रहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मार्जिन पर देखने को मिल रहा है, एंड आगे भी हम होप करते हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी। हालांकि हमारे केस में देर आर सम ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जिनको हम लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, जो स्पेशली डेकोरेटिव एरिया है या परफॉर्मेंस कोटिंग डिवीजन है, जहाँ पे फीट ऑन स्ट्रीट, डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काफी काम कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते रहेंगे बिकॉज हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए। और फाइनली सर, आउटलुक 24 के लिए अगर आप देना चाहें गाइडेंस कोई? पेंट इंडस्ट्री का कोरिलेशन है वो जीडीपी ग्रोथ से है, तो अगर 6% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो 8-10% पेंट इंडस्ट्री में सारे बिजनेस मिला के ग्रोथ आने की संभावना है, एंड दैट्स अ गुड ग्रोथ। तो पेंट इंडस्ट्री ट्रेडिशनली 8-10% की रेंज में चलती रही है, एंड वी फील कि वो उसी लाइन में कंटिन्यू करेगी। ओके, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़िया रहेगी और कंपनी ने 2-1 बोनस भी दिया, यानी अगर आप 2 स्टॉक होल्ड करते हैं तो 1 आपको बोनस शेयर मिलेगा। अनु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये आउटलुक, थैंक यू सर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।